अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। गाइज, आज की जो वीडियो है वो एक रिव्यू वीडियो है। मैं आपको इसमें माई क्लैम मनीष मल्होत्रा लिपस्टिक रिव्यू के बारे में बताऊंगी। मनीष मल्होत्रा ने माई ग्लैम के साथ कोलैबोरेशन किया हुआ है और जो लिपस्टिक्स हैं उसके तकरीबन 12 शेड्स अवेलेबल हैं और वो लिपस्टिक इस तरीके से दिखती है। देखिए, मेरे पास ये 2 शेड्स हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये 2 हैं मेरे पास और ये आप माई ग्लैम से परचेज़ कर सकते हैं। नायका और मिंत्रा पर भी ये अवेलेबल हैं, लेकिन अगर आप नायका मिंत्रा से ये परचेज़ करते हैं तो आपको ये 950 की रेंज में मिलेगी। ठीक है, मैंने ये नायका से परचेज़ किया था तो मुझे ये 950 में परचेज़ मैंने की थी। और अगर आप माई ग्लैम ऐप पर जाकर इसको परचेज़ करते हैं तो आपको ये हाफ रेट में अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है गाइज, अब बात करते हैं इसकी पैकेजिंग के बारे में। देखिए, ये इस तरीके से दिखती है और मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, ये अंदर से ऐसी है, काफ़ी ज़्यादा लग्जरियस और ये क्लासी लगती है। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है माई ग्लैम और इधर है लिखा ये मनीष मल्होत्रा। देखिए, इसका जो कैप है ये मैग्नेटिक है, देखें आप। इसको जब देखा था तो मैंने इसकी पैकेजिंग देखकर ही मैंने इसको परचेज़ किया, क्योंकि काफ़ी लग्जरियस और क्लासी दिखती है। मेरे पास इसके 2 शेड्स अवेलेबल हैं, या मैं आपको दिखा देती हूँ। ये एक शेड आप देख सकते हैं, ये शाइनिंग में है और ये मैट में है। ये ब्राउन है और ये थोड़ी ये पिंक शेड में है। ये आप देख सकते हैं 2 शेड्स मेरे पास हैं, लेकिन ये वाली जो है ये शाइनिंग में है और ये मैट में है। ठीक है, तो मैं आपको अप्लाई करके बताती हूँ कि ये कैसी है। सबसे पहले मैं इसका ये ब्राउन शेड अप्लाई करूँगी। तो आप देख सकते हैं मैंने ब्राउन शेड अप्लाई कर लिया है और ये मतलब बहुत शाइनी है और ज़्यादा अच्छी है। ये लगाने में बहुत सॉफ्ट है। और अगर मैं मैट की बात करूं तो मैं मैट भी आपको अप्लाई करके बताऊंगी। यकीन माने गाइस कि जब मैं इसका मैट शेड अप्लाई कर रही थी तो ये बहुत ही आसानी से अप्लाई हो रही थी, कोई भी इसमें प्रॉब्लम मुझे नहीं लगी और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी मुझे, तो मैं तो परमानेंटली यूज़ करने वाली हूँ इसे। गाइस देखिए, मैंने लिपस्टिक अप्लाई कर ली है और इस लिपस्टिक की मैं आपको बताऊं तो ये बहुत ही स्मूथ है, बहुत ही सॉफ्ट है और लगाने में भी आपको उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि बहुत सी लिपस्टिक्स मैट होती हैं तो वो बिल्कुल आसानी से नहीं चलती, लेकिन ये बहुत आसानी से लग रही है। और अगर मैं बताऊँ तो ये 5 से 6 घंटे तक आपके लिप्स पर सेट रहेगी। इसमें ये वाटर प्रूफ है टोटली, आपकी लिपस्टिक ये जल्दी नहीं हटेगी। अगर आपकी बाई चांस हट जाती है तो आप दोबारा अप्लाई कर लीजिए, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मेरी जब भी लिपस्टिक हट जाती है तो मैं दोबारा से अप्लाई कर लेती हूँ। तो ये था रिव्यू मनीष मल्होत्रा लिपस्टिक का और मुझे बहुत पसंद आई गाइस। इसका जो शाइनिंग इफेक्ट है वो भी बहुत अच्छा है, जो मैट इफेक्ट है वो भी बहुत अच्छा है, तो आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। तो गाइस, कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर ज़रूर करें। तो गाइस, मैं फिर हाजिर हूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।